सरप्राइज क्या सरप्राइज भाई मैं तो हाथ पकड़ मैं दिख नहीं रहा गमले से टकरा जाऊंगा रुक जा इधर हाथ पकड़ लगा क्या बात है सरप्राइज हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग एंड आज के इस व्लॉग के लिए आपकी होस्ट हूँ मैं और मैं आज आई हूँ अपनी मम्मी के घर क्योंकि एक स्पेशल रीज़न है जो है वैलेंटाइंस डे सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू ऑल और आज के इस व्लॉग के लिए मैंने प्लान किया है पंकु के लिए सरप्राइज तो आपको मिलाएंगे पंकज से पर शाम को क्योंकि उसके लिए है बहुत बड़ा सरप्राइज आज बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते बट हाँ थोड़ा बहुत कुछ प्लान किया है हमने प्लान किया है कि थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा कुछ केक वगैरह जो भी होता है ये सारा कुछ कर लेंगे एक्चुअली हो तो गए हैं हमारी शादी को 3 साल पर इन 3 सालों में हमने कभी मनाया नहीं वैलेंटाइंस डे तो इस बार आई थॉट क्यों ना मैं ही पंकज को सरप्राइज दे दूं सो यस स्टे ट्यून्ड हेलो सो मैं किचन में आ गई हूँ और हमने शुरू कर दिया है राजमा बनाना राजमा हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये पंकू की फेवरेट डिश है तो आप जैसे कि देख सकते हैं मम्मी ये मेरी हेल्प कर रही है क्योंकि ये जो मसाला वगैरह पीसना होता है इसमें मम्मी एक्सपर्ट है और सारा चॉप वगैरह भी मम्मी ने करके रखा हुआ है ऑलरेडी तो मेरा बस काम है कि मुझे छोका मारना है और मैं छोका मारना स्टार्ट कर दिया है और ये मैंने बहुत बारीक चॉप नहीं किया है बहुत लोग इसको मिक्सर में ग्राइंड करके फिर डालते हैं बट मुझे ऐसे ही पसंद है मुझे क्या पंकज को इनफैक्ट ऐसे ही पसंद है तो यही रीज़न है कि हमने ज़्यादा चॉप वगैरह कुछ किया नहीं है कि सब चीज़ का फ्लेवर रहे तो यहाँ लेट्स सी कैसा बनता है हेलो तो जैसे कि आप सबने देखा कि मैं तो आई गई थी पर अब हमारे साथ अभी और माही भी है अब ये दोनों भी आ गए हैं गीतू ऑलरेडी यहीं पे तो हमारा डेकोरेशन वाला काम शुरू हो गया है वैलेंटाइन की डेकोरेशन के साथ साथ हम करेंगे गीतू के बेबी के लिए भी एक छोटा सा प्लान जो कि है ये माही मेरी हेल्प करेगा इसमें ऐसे हम उसको थोड़ा फोटोशूट करना चाह रहे हैं तो हमने बेबी के डेकोरेशन में लगे हुए और गीतू फुला रही है बैलून और माही आपको दिखाएगा कि गीतू दीदी क्या कर रही है गो माही बलून फुला रही है अच्छे बलून फूल रहे हैं मैं इतने अच्छे बलून फुला पा रही हूँ और हम बैटरी छोड़ देंगे कोई बात नहीं इसीलिए हम हार्ट शेप बलून लाए हैं क्योंकि आज वैलेंटाइन डे स्पेशल है सो दीज आर फॉर आवर चीजू और ये छोटे थे इसलिए अब हम छोटे वाले नहीं फुलाएंगे और हम बड़े फुलाएंगे गुब्बारे फुला दिए और मुझे तो ज्यादा डेकोरेशन का आइडिया है नहीं क्योंकि मैं कभी करती नहीं हूँ बट गीतू ने आइडिया दिमाग के घोड़े दौड़ाए और सोचा कि क्यों ना जीजू के लिए तुम स्पेशल ये कर ले तो ये गीतू का ही आइडिया है और हम दोनों जाके फूल ले आए थे बट एक और स्पेशल सरप्राइज है जो मैं आपको उसी टाइम दिखाऊंगी और बहुत सारे सरप्राइजेस हैं अभी आज जीजू के लिए जो दीदी कर रही है सो पुष्टि हो गया मेरा और हमारा छोटा बेबी बहुत खुश खुश है ये देखो ये बोल रहे हैं कि आज हम लोग कुछ नया कर रहे हैं सो ही इज आल्सो सुपर एक्साइटेड अपनी मोती मोती यहाँ कुछ देख रहा है ओके गाइस सो जैसे कि आप देख सकते हो अब सारी प्रिपरेशन हो गई है हमारे फंक्शन की फंक्शन ही बोलेंगे इसे सब कुछ हो गया डेकोरेशन हो गई है खाना पूरा रेडी हो चुका है सब कुछ कर लिया हमने अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं रेडी भी हो जाऊँ और उसको बुला भी लूँ पंकू को तो फिर मैं फटाफट उसे कॉल कर लेती हूँ 2 मिनट में
और उसके बाद रेडी भी हो जाऊंगी। हेलो। हाँ हनी। हाँ। ऑफिस चल रहा है? हाँ चल ही रहा है। कोई मीटिंग तो नहीं है? नहीं मीटिंग थी, हो गई। मुझे आओगे लेने के लिए? तेरा काम कैसा चल रहा है? काम चल रहा है, मेरे कॉल वगैरह आए हैं शाम में, पर इंटरनेट का थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, तो सोच रही हूँ कि आ जाऊँ। ठीक है, आऊँगा, पर टाइम लगेगा मुझे 10-15 मिनट, मेरा भी थोड़ा कुछ काम के बीच में हूँ। ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा, 10 मिनट आराम से चलेगा। 10 नहीं, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, आऊँगा। ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, चल बाय। ठीक है, जल्दी आना, बाय बाय बाय। ओके बाय। सो गाइज, कॉल मैंने कर लिया है, पंकु ने बोला है कि 10-15 मिनट लगेंगे आने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ और पंकु आएगा तो आपको दिखाएंगे सारी सेलिब्रेशन। हेलो गाइज, सो अब हम लोगों ने अपने जीजू को कॉल कर दिया है, उनका घर बस 5 मिनट दूर है एंड ही विल बी कमिंग। तो अब जैसे ही गेट की आवाज़ आएगी तो हम लोगों को जाना है, और माही हमें पता है ना हमें क्या करना है। चलो अब हम उनका वेट करते हैं शांति से, और उनके लिए आज बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। ये माही आ जा, दे द हाई फाइव। चलो जीजू आप वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, रुक जाओ, वहीं रुको, रुक जाओ, 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 रुक हुआ क्या तो बताओ। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथी वो करना है तो। भाई मुझे कुछ नहीं दिख रहा सच में यार। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, सीढ़ी है। हाँ, हाँ, अरे चलो चलो, क्यों चलो। क्यों कर रहे हो ऐसा? है कुछ, चलो ना, आप कितने क्वेश्चन पूछते हो बुद्धू की तरह। माही बंद करके रखो, माही बंद करके रखो। आप क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो, आप इधर तो हाथ मत करो ना। चलो चलो, इधर आओ, इधर आओ, लेफ्ट 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 लेफ्ट, टर्न टर्न टर्न। दिख रहा है गुब्बारे क्या जा गए? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, गुब्बारा नहीं, बैठो बैठ जाओ, बस बस, अब आपके लिए है एक जोरदार सरप्राइज। नहीं बोला अभी, बोलो ना, जिसका बर्थडे आज अभी का। माही तो यहाँ खोल रहा है। माही के, और मेरे को ऐसे लुआ मुझे बताया भी नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा बेबी भी रेडी हो रखा है, और इसकी वैलेंटाइन है हमारा, मतलब हमने वैलेंटाइन डे आज तक नहीं मनाया ना कभी। हमारी शादी को ऑलरेडी 3 साल से भी ज्यादा हो गया है, बट और उससे पहले भी हम काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, पर वैलेंटाइन डे हमने कभी मतलब सेलिब्रेट किया ही नहीं। पहले तो मैं इसके अगेंस्ट था पूरा, मतलब थोड़ा उस टाइप का मेरे बिल्कुल, क्योंकि ये फॉरेनर्स का त्यौहार है, हमारा है, बट अब इसने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, स्पेशल फीलिंग आ रही है। तो आज मैं कुछ करने वाला हूँ, स्पेशल उठाने वाला हूँ, इतनी मोटी को मैं उठाने वाला हूँ। जिम का जिम का जिम जिम ज्यादा भाई, देखो जिम कितना काम आता है, जिम जाना चाहिए। अब हम दीदी और जीजू को रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक अच्छे से रोमांटिक गाने में हम एक छोटा सा एक डांस परफॉर्म करके दिखाने को। तो अब ये हम लोगों के लिए एक अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस देंगे। डांस मुझे नहीं आता है, ये करना पड़ेगा। चलो मुझे लगता है मुझे अपना हिडन टैलेंट दिखाना पड़ेगा आज। ये दीक्षा दी, ये गाना गाओ दीक्षा दी। गाना
दिक्षु बहुत ही सुंदर लग रही है आज, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। साड़ी किसकी है? मम्मी की। खाना भी बनाया है हनी के, हनी के फेवरेट राजमा चावल। राजमा चावल किसने बनाए? राजमा चावल किसने बनाए? राजमा ये तो दिक्षु के हाथ के खाने राजमा चावल। चावल मम्मी ने बनाए हैं और राजमा 60% मम्मी ने बनाई है, 40% मैंने बनाई है। अभी मैं सोचूं दिक्षु आज घर पे मतलब खाना बनाए बिना चली गई और मतलब मम्मी का चली गई, कुछ है नहीं, सो अपने पति को भूल गई है। मतलब आज मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं था आज वैलेंटाइन डे है, पर ऐसे कैसे कर सकती है यार, काफी भूख लगी है। अभी फटाफट ये केक काट के फिर फटाफट राजमा चावल खाएंगे। ये चलो केक कटिंग। मम्मा आ जाओ, अब कैमरा मैंने पकड़ लिया क्योंकि कोई है नहीं पकड़ने वाला, तो हम फटाफट केक काट लेते हैं। ये थैंक यू फॉर द सरप्राइज। वैलेंटाइन डे आज बर्थडे नहीं है भाई, पूरा लगने दो, अब पूरा लगने दो, थोड़ा मैं अपने लगा। अरे मेरा बर्थडे थोड़ी है, सबका होता है वैलेंटाइन डे। ये मतलब कुछ ऐसे विल्ले लड़के हैं जिन्होंने वैलेंटाइन डे मनाया नहीं, इनको सारे वैलेंटाइन डे भी बर्थडे की तरह लगते हैं। मेरे मुंह पे केक लगा रहा पगला, देख लिया मम्मी, मतलब ऐसा लग रहा है मेरा बर्थडे हो रहा है भाई, वैलेंटाइन डे हो रहा है, गर्लफ्रेंड नहीं तेरी। ओ यार केक ला रहे हैं अभी, देखो पर ये दोनों माँ बेटी वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। देखो आई लव यू बोल दो एक दूसरे को, प्यार का दिन है तो सबके साथ ही होना चाहिए ना। ये कपड़े बदल रही तब तक क्योंकि फिर खाना खाते हो कैसे, साड़ी में तो खानी पड़ेगी, तो कपड़े बदल रही है, उसके बाद हम राजमा चावल खाते हैं, देखते हैं राजमा चावल कैसे है, काफी टेस्टी होने वाले हैं। राजमा काफी अच्छी बनाई, मजा आ गया सच में, मतलब इट्स टू यम। मैं हूं फूडी और मुझे अगर ऐसा खाना मिल जाए तो मेरा वेट तो वहीं पहुंच जाएगा, लेकिन बहुत राजा बनाई है, इसका फायदा सबका हो गया। तो ये जो मैंने पिछले वीडियो में बताया खदुड़ी है, तो ये इसको भी मजे आ गए राजा। वैसे इससे चिकन बोला था क्योंकि फिर चिकन ही बनाती नहीं, खाती भी नहीं तो चिकन भी नहीं बनाती, हमने वो चीज बनाई जो हम सब खा सकते हैं। काफी अच्छी हो रही है राजमा, काश आप लोग भी यहाँ होते, देखो मैं दिखा दूँ कितनी अच्छी हो रही है। तो गाइस हमने खाना खा लिया है, हम डांस करेंगे, अपना खाना बचाएंगे और फुल एंजॉय करने वाले हैं वैलेंटाइन। ज़रा टाइम है नहीं क्योंकि मुझे वापस ऑफिस भी लॉगिन करना है। शुने कपड़े चेंज कर लिए, काफी कंफर्टेबल हो रहा है। तो गाइस अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। तब तक हम डांस करते हैं और मजे करते हैं। हैप्पी वैलेंटाइन।